लोक संस्कृति देश, काल और परिस्थिति के अनुसार विभिन्न देशों की संस्कृतियां भिन्न हुआ करती हैं। विश्व की समस्त प्राचीन संस्कृतियों का यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो प्रत्येक देश की संस्कृति में भारतीय संस्कृति के बीज निहित मिलते हैं। मिस्र, असीरिया, ईरान, बेबीलोनिया, चीन और रोम की संस्कृति बहुत पुरानी मानी जाती है, किंतु इन देशों में प्राप्त पुरातत्व सामग्री में भारतीय संस्कृति का व्यापक और प्रमुख प्रभाव है। मिस्र का हिलोलिन, हलिन, ईरान का अहुरमज्द, असुरमहत, मिस्र का ओसारिस, उशारस आदि भारतीय वैदिक देवता हैं। पाली ग्रंथ बाबरू जातक में बेबीलोनिया की कथाएं हैं। वहां मयूर पक्षी नहीं होता था, वह यहीं भारत से ले जाया गया है। संस्कृति की परिभाषा या उसका स्वरूप अध्ययन से नहीं वरन अनुभव से जाना जाता है। जैसे गुड़ बहुत मीठा होता है, इतना कह देने या सुन लेने मात्र से गुड़ की मिठास का परिचय नहीं मिलता, अपितु खाकर अनुभव करने से माधुर्य का वास्तविक बोध होता है। संस्कृति में परिवर्तन और परिवर्धन काल क्रमानुसार हुआ करते हैं, किंतु उसकी सत्ता सदैव अक्षुण्ण रहा करती है। संस्कृति मरती नहीं, मिटती नहीं। इतिहास के उदयकाल से अब तक की भारतीय संस्कृति का समालोचन करने से यह बात बहुत सरलता से स्पष्ट होती है। वैदिक युग में वैदिक आर्य और अवैदिक अनार्य संस्कृतियों का संघर्ष भारतवर्ष में रहा है। तमिल संस्कृति, जिसे द्रविड़ सभ्यता या संस्कृति कहा जाता है, से वैदिक संस्कृति का सर्वप्रथम संघर्ष आरंभ होता है। उपनिषद काल, स्मृति काल, सूत्र काल, पुराण काल, तंत्र काल, बौद्ध काल और मध्य काल से अब तक लगातार यह संस्कृति संघर्ष चल रहा है, किंतु इतने पर भी हमारी भारतीय संस्कृति विनष्ट नहीं हुई। हाँ, विकार भले ही उत्पन्न हो गए हैं। यूनान, मिस्र, रोम और चीन की प्राचीन संस्कृतियां लुप्त प्राय हो गई हैं, किंतु हमारी भारतीय संस्कृति अपनी सत्ता ज्यों की त्यों सुरक्षित बनाए हुए है, इसलिए कि भारतीय संस्कृति की आत्मा लोक संस्कृति है। यही इसका वैशिष्ट्य है। भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा भारतीय साधारण जनता है, जो नगरों से दूर गांवों, वन पर्वतों में निवास करती है। आत्मोपमयेन सर्वत्र, यही भारतीय लोक संस्कृति का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत का स्वभावतः पालन करती हुई भारतीय साधारण जनता ब्रह्म तत्व और माया तत्व को अनजाने ही समझती है। भारतीय ग्राम वासिनी संस्कृति के मूल आधार, जिन्हें आजकल की परिभाषा में अपढ़ वनेचर कहा जाता है, भारतीय संस्कृति के जीवित जागृत प्रहरी हैं। जिस माया तत्व को हर्बर्ट स्पेंसर आजीवन समझने में असमर्थ रहे, उसे हमारे अपढ़ भारतीय किसान सरलता से समझते हैं। भारतीय लोक संस्कृति के संरक्षक, प्रतिष्ठापक ये ग्रामीण परमहंस अथवा अबोध बालक की भांति स्वयं अपने को कुछ भी नहीं समझा करते। इनके मर्म और वास्तविक स्वरूप को अध्ययन मननशील विद्वान सही समझते हैं। अभी 2 वर्ष पहले अमेरिका से आए हुए एक पर्यटक यहीं काशी में ठहरे हुए थे। एक दिन वह मेरे पास आए। मैंने उनसे पूछा कि आपने जवाहरलाल नेहरू से भेंट की है? उन्होंने कहा कि वह शिक्षित है, विद्वान है, अच्छे वक्ता है, कुशल राजनीतिज्ञ है। आधुनिक युग में व्यक्ति की ये विशेषताएं सर्वत्र हैं, मैं उनसे भेंट क्या करूं? मैंने फिर पूछा कि आपने भारतीय नगरों को देखा है? उन्होंने कहा कि मैं नगरों को भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि ये सब पाश्चात्य नगरों के अनुकरण मात्र हैं। मैं तो भारत के उन व्यक्तियों, उन स्थानों को देखना चाहता हूं जहां भारतीय आत्मा बसती हो। मैंने कहा, तभी आप अपने उद्देश्य में सफल भी होंगे, जब भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा साधारण जनता के दर्शन करेंगे, जो ग्रामों, गिरी कांतारों में निवास करती हुई भारतीय संस्कृति का संरक्षण कर रही है। लोक संस्कृति ने भारतीय संस्कृति को जो सबसे महत्वपूर्ण दान दिया है, वह है आत्मीयता, अपने समान सभी को समझना। यह भाव भारत के अतिरिक्त किसी भी देश की संस्कृति में नहीं है। बहुत दिन पहले जर्मन तत्ववेत्ता पॉल डुसेन भारत आया हुआ था। वह जब अपने देश लौटने लगा तो बंबई में आयोजित अपनी एक विदाई सभा में भारतवासियों के आतिथ्य औदार्य की प्रशंसा करते हुए उसने कहा कि बाइबल में हमने पढ़ा था कि अपने पड़ोसी को अपना ही समझना चाहिए। उसे पढ़कर मैं यह सोचा करता था कि पराये को अपना क्यों समझा जाए, इसका हेतु क्या है? सारी बाइबल में मुझे इसका हेतु कहीं नहीं मिला। भारत आने पर आत्मा की एकता का अनुभव मैंने उसी प्रकार किया
जैसा कि उपनिषदों में पढ़ा था। भारतीय लोक संस्कृति की यह अनवद्य विशेषता कथा प्रणाली द्वारा प्राप्त हुई है। भारतीय संस्कृति में पौराणिक कथाओं, तीर्थाटन, व्रत, उत्सव और पर्वों की जो प्रणाली परंपरागत चली आ रही है, उसी से लोक संस्कृति का संपादन हुआ है। इस प्रशस्त प्रणाली ने भारतीय जीवन, भारतीय संस्कृति और भारत देश को प्राणवान एवं जागृत बनाए रखने में बड़ा योग दिया है। कैलाश से कन्याकुमारी और परशुराम कुंड, आसाम से सिंधु तक की भाषा, रहन सहन की विभिन्नता होते हुए भी तीर्थाटन प्रणाली देश की एकता को अविच्छिन्न बनाए हुए है। लोकगीत, लोकचित्र, लोक नृत्य, लोक अभिनय और लोक चर्चाएं आदि सभी कथा प्रणाली से समुद्भूत हैं। इस प्रणाली ने हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक इतिहास को जनसाधारण के मानस तट पर ऐसा अंकित किया है कि उसे काल परिस्थिति की हड़ताल मिटा नहीं सकती। कवींद्र रविंद्र जब प्रथम बार यूरोप भ्रमण करने गए थे, उसी यात्रा के प्रसंग में उन्होंने यूरोप प्रवास पत्र और यूरोप यात्री डायरी नामक दो पुस्तकें भी लिखी हैं। लिवरपूल या मैनचेस्टर के देहातों में घूमते हुए टैगोर ने रास्ता चलते हुए कुछ लोगों से पूछा कि तुम ईसाई हो? उन्होंने कहा कि हमने आपकी बात नहीं समझी। टैगोर ने कहा कि तुम ईसा क्राइस्ट को जानते हो? उन लोगों ने कहा कि क्या वह कुल्ली है? अपने देवता और धर्म के प्रति इस प्रकार की यह अज्ञानता उस देश की साधारण जनता की है, जो आज विश्व में अपनी सभ्यता की उच्चता का ढिंढोरा पीट रहा है। लेकिन भारत के जंगली अपड़ व्यक्ति से भी यदि राम और कृष्ण के संबंध में पूछा जाए, तो वह व्यास, वाल्मीकि और तुलसी के भावों के साकार रूप प्रस्तुत कर देगा, क्योंकि लोक संस्कृति द्वारा वह शिक्षित और चैतन्य बनाया गया है। लोक संस्कृति में ऐसे प्राणदायी स्रोत हैं जो भारतीय जनजीवन और भारतीय संस्कृति को सशक्त एवं प्राणवान बनाए हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल की बात न कर हम इतिहास के उदय काल से अब तक के समय का यदि समालोचन करते हैं, तो भारत में विभिन्न धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक विचारधाराओं का समन्वय लोक संस्कृति द्वारा हुआ जाना जाता है। यह समन्वय भावना विश्व के अन्यान्य देशों में भी पनपी है। शक, मग, पारसिक, यवन आदि जो भी विदेशी एवं अवैदिक यहाँ आए हैं, उन्हें अपनाने में हमारी संस्कृति ने कभी भी संकोच नहीं किया है। भारत में वैदिक युग से ही विभिन्न संस्कृतियों का समागम होना प्रारंभ हुआ है। यह परंपरा अब तक संचरित है। भारतीयों ने विदेशों में जाकर सांस्कृतिक आदान प्रदान किया है। यह आदान प्रदान लोकोत्तर संस्कृति के उन प्रतिनिधियों द्वारा हुआ है जो शिक्षित, उपदेशक या राजनीतिज्ञ कहे जाते हैं। इससे हमारी भारतीय संस्कृति में परिवर्तन हुए, विकार भी उत्पन्न हुए, किंतु वह विनष्ट या लुप्त इसलिए नहीं हुई कि इस आदान प्रदान में लोक संस्कृति अलग रही। वह निष्कलुष, निर्विकार बनी रहकर भारतीय संस्कृति के पौधे को पनपाती और परिमार्जित करती रही। वैदिक उपनिषद काल के बाद तंत्र युग में लोक संस्कृति ने भारतीय संस्कृति को बहुत बल प्रदान किया। उस समय निगम और आगम, इन दो भिन्न विचारधाराओं का प्रवाह बह रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि तंत्र मध्ययुगीन बौद्ध काल के हैं, किंतु जैसे ब्राह्मण धर्मावलंबी जनता बौद्ध बनी, उसी प्रकार परंपरागत आगम ही तंत्र कहलाए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त वस्तुओं द्वारा पुरातत्व वेत्ताओं ने तांत्रिक सभ्यता को बौद्ध काल से बहुत प्राचीन सिद्ध किया है। क्रीट में सिंहवाहिनी चतुर्भुजी मूर्ति मिली थी जो त्रिशूल धारण किए हुए है। उससे यह सिद्ध होता है कि शक्ति साधना समस्त भूमंडल में व्याप्त थी। यह साधना लोक संस्कृति की प्रमुख साधना रही है। अब भी जंगलों, पर्वतों में रहने वाली जनता विविध शक्ति साधना किया करती है। इस साधना की पृष्ठभूमि समन्वय भावना है। द्वैत को अद्वैत के रूप में पहचानने और सबको आत्मवत समझने तथा माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याह की भावना को व्यापक बनाने का प्रशिक्षण इसी साधना द्वारा निःसृत हुआ है। श्रुति, स्मृति, पुराण, बौद्ध, जैन, चार्वाक, पाशुपत, लाकुलीश आदि विभिन्न धर्मों की विभिन्न विचारधाराओं का समन्वय लोक संस्कृति द्वारा हुआ है। मध्यकाल में प्रादुर्भूत श्री, मध्व, गौड़ीय सहित, निम्बार्क और वल्लभ, यही चार संप्रदाय प्रमुख हैं। इसके बाद अनेक संप्रदाय प्रचलित हुए हैं। इन सभी संप्रदायों के विभिन्न धार्मिक आंदोलन भी मुखरित हुए, किंतु अंत में लोक संस्कृति द्वारा सभी का सांस्कृतिक समन्वय किया गया। भारतीय लोक संस्कृति की व्यापकता
और महत्ता को सूफी मत ने भी स्वीकार किया है। सूफी धर्म पर भारतीय लोक संस्कृति का व्यापक प्रभाव स्पष्ट है। लोक संस्कृति और लोकेतर संस्कृति में उतना ही अंतर है जितना श्रद्धा और तर्क, सहज और सजावट में होता है। लोक संस्कृति प्रकृति की गोद में पलती और पनपती है। लोकेतर संस्कृति आग उगलती हुई चिमनियों, हुंकार करती हुई मशीनों और विद्युत बल्बों से प्रदीप्त नगरों में निवास करती है। लोक संस्कृति के उपासक या संरक्षक बाहर की पुस्तकें न पढ़कर अंदर की पुस्तकें पढ़ते हैं। उनके हृदय सरोवर में श्रद्धा के सुमन सदैव फूले रहते हैं। लोकेतर संस्कृति के उपासकों संरक्षकों में धन पद शिक्षा का स्वाभिमान रहता है। उनके हृदयों में तर्क की चिंगारियां सुलगती रहती हैं। लोक संस्कृति की शिक्षा प्रणाली में श्रद्धा भक्ति की प्राथमिकता रहती है। उसमें विश्वास तर्क का कोई स्थान नहीं रहता। इसी से ज्ञान और सिद्धि की सहज प्राप्ति भी होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, यह सिद्धांत लोक संस्कृति के उन्नायक भगवान कृष्ण के मुख से उच्चरित हुआ है। लोक संस्कृति में श्रद्धा भावना की परंपरा शाश्वत है। वह अंतः सलिला सरस्वती की भांति जनजीवन में सतत प्रवाहित हुआ करती है। वस्तुतः लोक संस्कृति एवं लोकेतर संस्कृति तथा विश्व की संस्कृतियों का बीज एक ही है। स्थान काल वातावरण की विभिन्नता से ही वह विभिन्न रूप धारण करती है। जैसे जल वास्तव में एक ही है, किंतु उसके बूंद नियम के वृक्ष में पड़कर कड़वाहट पैदा करते हैं और आम्र वृक्ष में पड़कर वही रसाल बन जाते हैं। यह बीज लोक संस्कृति ही है जो भारतीय संस्कृति और भारत देश को जीवंत बनाए हुए है। इसमें जीवन है, प्राणद स्पर्श और समन्वय के अनंत स्रोत हैं। अतएव इस यथार्थ संस्कृति का संरक्षण संवर्धन करना हमारा सांस्कृतिक कर्तव्य है।